अब 600 लग रहा है सारा नेटवर्क्स में, जियो में, एयरटेल में, वोडाफोन आइडिया वगैरह वगैरह सारा में आप ले सकते हैं। तो अब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जो देखिएगा, इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, अब कौन सा सिम, कौन सा नेटवर्क आप यूज करेंगे कि आपको सस्ता पड़ेगा, आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, पहले जैसा पैक्स आपको मिलेगा, इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक रूहानी यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि जियो ने एक की बहुत ही बड़ा धक्का दिया था, अचानक उन्होंने अपना प्लान में इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के साथ साथ उन्होंने यूसी पैक जैसा बहुत ही घटिया अपडेट लेके आया। अब यूसी पैक्स हमें डलाना पड़ता है अलग से, अलग नेटवर्क्स में कॉल करने के लिए। हालांकि जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल्स होता है, फिर भी हमें बहुत ही घाटा पड़ रहा है। उसके बाद कुछ साइड 1 मंथ के बाद सारे नेटवर्क्स ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने भी क्या किया, अपना नेटवर्क अपना पैक्स में 40% की बढ़ोतरी कर दी। उन्होंने क्या किया कि जो पैक्स 399 में आता था वो अभी लगभग 600, 2-3 रुपया कम 600 में आ रहा है। मतलब सारा नेटवर्क्स में 1-2 रुपया कम ऐसे करके अभी सारा नेटवर्क्स में आ रहा है। तो क्या करें? तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले बात आप जियो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के एंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जिसमें बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं एक और एक बता देता हूँ कि अगर 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 आप वो यूज नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे। आप जियो यूज कर सकते हैं क्योंकि जियो में 50 रुपीज़ सस्ता दे रहा है अभी भी, मतलब लगभग 600 पड़ रहा है अदर नेटवर्क में, वोडाफोन आइडिया एयरटेल ये सब में। तो जियो में 50 रुपीज़ कम पड़ रहा है वो सब के मुकाबले। और इसके अलावा एक बहुत ही खुशखबरी वाला बात है कि आप BSNL सिम यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बस इतना चेक कर लीजिए कि आपका BSNL का नेटवर्क अच्छा है कि नहीं, क्योंकि BSNL ने अभी 4G लॉन्च कर दिया है और ज़्यादातर जगहों में नेटवर्क अभी बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट नेटवर्क हो गया है। तो आप BSNL सिम यूज कर सकते हैं क्योंकि BSNL का पैक्स जैसा कि पहले था अभी भी वैसा ही है, बहुत ही सस्ता पैक्स है। लगभग 399 में या 400 में ऐसे पैक्स है जिसमें 80 डे दे रहा है वैलिडिटी, 80 दिन दे रहा है, और उसमें 2 GB पर डे प्लस अनलिमिटेड कॉल। तो आप क्यों यूज करेंगे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये सब? आप BSNL यूज कीजिए, और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो आप अभी BSNL यूज कीजिए। लेकिन BSNL सिम लेने से पहले या फिर अपना सिम BSNL में पोर्ट करवाने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपके एरिया में, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर BSNL का नेटवर्क अच्छा है कि नहीं। आप BSNL का पैक्स यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार का पैक्स है, या फिर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे में जाके आप कोई भी BSNL का नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। BSNL का बहुत ही सस्ता पैक्स है अदर नेटवर्क के मुकाबले। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।